साबिक चेयरमैन पीडीए फरहाद अली करप्शन केस में इहाता अदालत से गिरफ्तार अरशद नियाजी ने साबिक चेयरमैन फरहाद अली के खिलाफ मुबैना गैर कानूनी अलाटमेंट्स के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर की थी। साबिक चेयरमैन पीडीए फरहाद अली पर गैर कानूनी अलाटमेंट्स का इल्ज़ाम आयद किया गया था। फरहाद अली के बाद आने वाले चेयरमैन अरशद नियाजी ने साबिक चेयरमैन फरहाद अली के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इल्जामात आयद किए गए थे कि फरहाद अली पीडीए में गैर कानूनी अलॉटमेंट्स में मुलव्वस रहे। एंटी करप्शन अदालत में समाअत हुई, जिसमें फरहाद अली की जमानत मंसूख होने के बाद इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। दरख्वास्त पर एंटी करप्शन अदालत में समाअत हुई, फरहाद अली की जमानत मंसूख होने के बाद इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। हर वक्त आपको रखे बाखबर, हमेशा सच की खबर। पर्ल न्यूज़।